परचून आज मैंने लिखा नहीं था यो, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है ना, तो बृहस्पतिवार वाले दिन मैं चूल्हा नहीं देखती क्योंकि मैं व्रत करा करती थी बृहस्पतिवार की। मैं जलाऊ चूल्हा बजा दूंगी फिर मैं। तो यहाँ पर हम छोंकने की तैयारी कर रखी है दाल, और दाल हमारी इधर उबल चुकी थी। तो ये देखिए जी, दाल हमारी यहाँ पर उबल चुकी है और इधर छोंक होने लग रहा, और इधर ये मेरा प्यारा सा बच्चा जिद कर रहा है फोन चाहिए। होने वगा अभी देंगी है ना, यू कर लूंगा बेटा भी अभी देंगे अपने पुत्र को। ये देख यहाँ पे ये हो गया, देख मसाले हो गए ना। अरे वाह, देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई। हाँ बेटा चलो ये थोक दो। तो ये देखिए जी, हमारी दाल बनकर हो गई थी रेडी। और मैंने भगोने में रिता दी थी इसको, क्योंकि कढ़ाई में ना ज्यादा बड़ी थाली ढकनी पड़े फिर। और इधर चावल और इधर रोटियां। अच्छा ओ माय गॉड, यहाँ पर पानी खिंड गया है और लाइट भाग रही है, पंखा भी नहीं चल रहा। लाइट भाग रही है बेटा। हाँ हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, रव्य पाल व्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे व्लॉग में। तो ये देखिए जी, मैं नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। रेडी तो अभी हुई नहीं क्योंकि सिंदूर भी नहीं लगा और ना ही लिपस्टिक, और ये रो रहा था ना, इसको वीडियो बनवानी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो ही बना लूँ पहले, फिर मेकअप कर लूंगी उसके बाद में, और ना ये रोता रहेगा। हाँ बेटा बाहर बाहर कहाँ जाओगा बता है? रविया आजा बाहर को बेटा। इस टाइम ना लाइट भाग रही, बहुत तेज गर्मी हो रही, बच्चों को गर्मी लग रही और बाहर भी बहुत तेज धूप हो रही, तो मैं इनको बाहर भी नहीं ले जा सकती और अंदर कमरे में घुटन हो रही। बरामदे में तो थोड़ा लग रहा सुकून सा खड़े हो गया। तो देखिए जी, मैंने कपड़े धो दिए थे अपने सुबह सुबह, आधे तो सूख भी गए हैं और झाड़ू पोछा भी कर दिया था। ये देखो इधर रविया को, क्योंकि इसको चाहिए फोन, फोन के लिए रो रही है अब। तो देखिए जी, यहाँ पर बच्चों बेटा इसको ना अपने हाथ से उठाना। यहाँ पर रविया खा रही है खरबूजा, जो कि मैंने इसको छील कर दे दिया था। और ये देखो गर्मी में यहाँ पर लेट रहा, तो मैं इसे इससे हवा कर रही। आपकी तरफ भी कर दो, ये लो आपकी तरफ भी कर दो। तो आज रविया कह रही थी परी दीदी की याद आ रही, परी दीदी के पास चलो तैयार होकर। मैं नहीं जाती है? मैं नहीं जाती परी दीदी के पास। क्यों? परी दीदी हमें बुला रही। आपको बुला रही? हाँ। तो चले जाओ आप। अभी आज को भी बुला रही तुम अभी। अच्छा हाँ। क्या कह रही थी वो? ये तुम कहती कह रही थी मैं के घर तो आ रही थी वो, बड़े मम्मा को बुला लिया। अच्छा हाँ, माई बुला रही। माई बुला रही? हाँ, हाँ बेटा। यो अभिराज खरबूजा मांग रहा, इसको भी दे दो। दे रहा है ना, वाह मेरा प्यारा बच्चा तो बहुत अच्छा। गर्मी में बच्चों की हालत पूरी खराब है इस टाइम। भगवान जी लाइट आ जाओ, हमें गर्मी लग रही, हमें गर्मी लग रही, हमारे पर तरस कर लो भगवान जी, हमको गर्मी लग रही है, हमको गर्मी लग रही है।
चलो ये नहीं लेता, रहने दो आप खा लो। मम्मी मैं फिर भाई मारा भुक्कर आ जाएगा। तो आपने भैया के लिए बचाई है? हाँ। ठीक है, बड़ी फिक्र है भाई। हाँ भैया के लिए खा रहे थे ले भाई, आपके भैया को दे दिया मैंने तो। ठीक है अबे छोटे भैया, छोटे भैया भूखे रह जागे। कौन है वो छोटा भैया? छोटे भैया भूखे रह जागे। अरे नहीं रहने के, लट्टू मैं तो। लट्टू और मावा करूँ आपको? हाँ भगवान जी, भगवान जी थोड़े आए हैं, ये तो बैड का डिजाइन है। नहीं अभी दीदी है, सॉरी बोलो दीदी को, सॉरी बोलो दीदी को। छी कैसे सॉरी बोल रहा है ये तुझे, है ना? हाँ बेटा मेला में लेकर जा रही। कौन? मैं दीदी जी। अच्छा गाँव गाल है। पापा पी लगे हम दी जाने के है, हम तो गोलू मम्मा के पास जाएंगे। अच्छा हाँ क्यों फिर पापा? अच्छा हाँ ओ माय गॉड, देखो जा कमरा का गंदा कर दिया, सारा कमरा गंदा कर दिया। अबे ऊपर तो दूध छिलना। अच्छा हाँ कहाँ? ये हरा दूध। अच्छा ऊपर तो छिलना, यो नीचे था, यो नीचे था, यो नीचे था, हाँ जी को पाँच भी दे दिया ना। अच्छा जी हाँ चलो कोई बात नहीं, फिर माता को पापा कुछ आ जाते। पापा को छोड़ कर जाएंगे। कहाँ जाओगे आप? गोलू मम्मा के पास। क्यों? अपने घर रह कर है बेटा? अपने घर रह कर है, वो तो गोलू और का घर है, आपका घर तो यो है। मैं याद आ रही गोलू और की याद आ रही। ओहो तो भी आ रही मुझे तो आ रही। हाँ मेरा भाई है ना गोलू, इसीलिए दोनों का है। दोनों के है? गोलू तो, गोलू तो मेरा ही भैया है। दीदी को जा करा करा बेटा, दीदी दीदी है या इसकी जा करा करा है, देवी है या मेरी? हाँ कैसा करा करा जा ऐसे करो, ऐसे हाथ जोड़ा करे दीदी के आगे। तो ये देखो जी, आपके कमेंट आ रहे थे कि मतलब अपने परिवार की खुद धजिया उड़ा रही है, तो मेरी जिंदगी की जो धजिया उड़ी हुई है उसका क्या करूं मैं? आप सब बता दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बता पाऊंगी, कहीं तो अपनी बातें शेयर करनी पड़ती है इंसान को, यहाँ नहीं वहाँ जहाँ भी मौका मिलता है। देखो और चुन्नी फटी रही माता, मैं बता मेरे साथ यहाँ क्या हुआ है, जब मैं भूत हूँ मुझे पता। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, एक बात तो सच है और शॉर्ट वीडियो सही है, घर में मैं क्या कहूँगा, कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि जितना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी शायद मेरा उतना ही आप लोग मजाक बना रहे हो, तो मुझे शायद अपना दर्द अपने अंदर ही छुपा लेना चाहिए, क्योंकि
थी दर्द का इलाज मुझे खुद ही करना होगा, कोई नहीं करने का। और रही सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया वालों को तो मेरे बताने से पहले ही पता चल गया था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। हाँ, ये आज मैंने जबान से बोल दिया तो आज मुझे बोलना जा रहा कि अपने परिवार की धज्जियां उड़ा रही है। उस टाइम किसी ने नहीं बोलना कि इसके परिवार में इसके साथ क्या हो रहा है, जब तो किसी ने नहीं पूछा कि हाँ मोनिका के साथ कुछ हो रहा है और गलत हो रहा है, जब तो किसी ने कुछ नहीं कहा।